गाइस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल इट्स मी विजयलक्ष्मी। अगर आप लोग मेरे चैनल को न्यू देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो है मेकअप लुक वीडियो, और ये जो मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है वो आप लोग भी कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। और न्यू ईयर जो कि पास ही है तो मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है न्यू ईयर के लिए। तो और ये मेकअप सभी के साथ, सभी ड्रेसों के साथ जाएगा। तो चलिए आज का हम लोग ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, और ये मेकअप लुक मैंने कैसे क्रिएट किया आप लोगों को मैं दिखा देती हूं। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी मॉइस्चराइज़र। मैंने मॉइस्चराइज़र लैक्मे का लिया है, तो मैं पूरे फेस पे मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी अच्छे से। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी फाउंडेशन। ये फाउंडेशन लॉरियल का है, तो मैं फाउंडेशन को अभी डैप करूँगी स्पॉन्ज के हेल्प से। तो अच्छे से पूरे फेस में डैप करूँगी, और मैं फाउंडेशन इतना हैवी नहीं लगाऊँगी क्योंकि ये जस्ट पार्टी, न्यू ईयर पार्टी मेकअप लुक है। तो अच्छे से हम लोग फाउंडेशन को डैप कर लेंगे। तो उसके बाद मैं करूँगी अपनी आईब्रो बनाऊँगी। तो आईब्रो को हम लोग अच्छे से बना लेंगे। तो उसके बाद हम लोग ब्रश की हेल्प से अपने आईब्रो को ब्रशिंग कर लेंगे शेप को अच्छे से लाने के लिए। तो अभी मैं लगाऊंगी कंसीलर आईब्रो की शेपिंग अच्छे से लाने के लिए। और ये मैंने जो कंसीलर यूज़ किया है वो एले प्रो गर्ल का है, जिसे हम लोग लगा लेंगे। और मैं अपने आँखों में भी कंसीलर लगा लूँगी बेस के लिए। तो अभी मैं कंसीलर से अपने नोज को शेपिंग दूँगी थोड़ा सा स्लिम दिखने के लिए। और ये जो मैंने पैलेट लिया है ये क्रायलॉन का है। तो अभी स्टार्टिंग करेंगे आई मेकअप, और ये मॉर्फी का पैलेट है, और इससे मैं ले रही हूँ ऑरेंज कलर। अपनी क्रीज लाइन को अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। अच्छे से हम लोग ब्लेंड होने के बाद मैं अभी इधर तो इसे कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो हम लोग क्रीज लाइन बनाते हैं अगर कंसीलर यूज़ करते हैं तो क्रीज लाइन अच्छे से शेप में आता है। तो अभी मैं लगाऊंगी आईज पे ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर, क्योंकि ये जो है मेकअप पार्टी मेकअप है। तो इससे मैं लूँगी लाइट ब्लू कलर, ये मॉर्फी के पैलेट से ही है। तो इसको अच्छे से हम लोग ब्लेंड कर देंगे आईज पे। तो अभी मैं मेकअप स्टूडियो के पैलेट से इससे मैं थोड़ा सा वायलेट कलर टाइप लूँगी अपनी इसकी जो मेकअप है वो थोड़ा सा डार्क दिखने के लिए। और मैं फिंगर के हेल्प से इसको ब्लेंड करूँगी, क्योंकि मुझे फिंगर के हेल्प से ब्लेंड करना ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैं अपने फेस को कंटूर करूँगी, और जो मैंने कंटूर का कलर लिया है ये क्रायलॉन के पैलेट से लिया है। तो इसको हम लोग अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। तो अभी मेकअप स्टूडियो के पैलेट से मैं ब्लशिंग करूँगी, और ये जो मैंने कलर लिया है थोड़ा सा लाइट पिंक कलर लिया है। तो इसको हम लोग अच्छे से ब्लश कर देंगे, और हमें जब ब्लश करना है तो हंस के करना चाहिए। तो अभी नोज़ और मैं फेस पे हाईलाइट कर दूँगी, और अपने आईज़ के ऊपर भी थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँगी हाईलाइटर से। तो अभी मैं लगाऊंगी काजल। तो मैं इतना हैवी करके नहीं लगा रही, क्योंकि मेरा जो आईज का ऊपर का कलर है वो थोड़ा सा डार्क ही है। तो अभी मैं मस्कारा लगा दूंगी, और ये जो मस्कारा मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किया था, और इससे मैं पहले व्हाइट लगा रही हूँ, उसके ऊपर मैं ब्राउन कलर लगा दी हूँ। तो अभी मैं लगाऊंगी लिपस्टिक, और ये मैटल लिपस्टिक है, और ये रेड कलर है। तो अभी आईज को थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा ब्लेंड कर दूंगी ब्लैक कलर को। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ न्यू ईयर पार्टी मेकअप लुक में।